नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंच फैमिली के एक और एपिसोड में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कि टाटा पंच में ऐसे कौन से फीचर्स मिसिंग है जो कि इसको कंप्लीट गाड़ी बनने से कहीं ना कहीं रोकती है। सबसे पहले फीचर्स की अगर बात करें जो कि हर मिडिल क्लास का एक सपना होता है, वो होता है आपका सनरूफ का। टाटा पंच अगर अपने टॉप वेरियंट में सनरूफ की फैसिलिटी दे पाता तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लोगों को ये लगती। दूसरा जो मुझे इंपॉर्टेंट फीचर्स मिस लगता है वो है आपका LED हेडलाइट्स। जी हाँ दोस्तों, LED हेडलाइट्स गाड़ी के लुक को और डिफाइन करके लाता और भी खूबसूरत लगती है गाड़ी देखने में। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे फीचर्स लग रही है वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। ये तो आजकल हर गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप पहले से मॉनिटरिंग कर पाओगे तो आपको अंदाज़ा हो सकता है कि मुझे कब गाड़ी में हवा डालना है या कब उसको हवा नहीं डालना है। उसके बाद जो मुझे और आप लोगों को भी ये सरप्राइज़ लगा होगा कि रेयर एसी वेंट्स इस गाड़ी में प्रोवाइड नहीं की गई है। रेयर एसी वेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है आजकल, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन लोगों का कहना है कि इसका जो फ्रंट एसी वेंट है वो काफ़ी इनफ है पीछे में भी हवा देने के लिए, बट मुझे कहीं ना कहीं ये मिसिंग लगती है। उसके बाद बात करते हैं जो इसके टॉप वेरियंट में भी अवेलेबल नहीं है, वो फीचर्स कौन सा है। वो है आपका फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट। आप सोचो, इस गाड़ी में फ्रंट सेंटर आर्म रेस्ट कहीं से भी प्रोवाइड नहीं की गई है, जो कि मुझे कहीं ना कहीं इस गाड़ी के लिए नेगेटिव लगती है। उसके बाद इंजन स्टार्ट और ऑफ करने की भी आपकी ऑटोमेटिक फैसिलिटी जो है वो इसके टॉप वेरिएंट में मिलती है, नीचे वेरिएंट पे कहीं नहीं मिलती है, जो कि आजकल हर गाड़ियों में कंपनी ने देना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद बात करते हैं आपका फंक्शनल रूफ रेल्स की। तो अगर ये गाड़ी के ऊपर लगी रहती तो इसके लुक को और निखार के लेके आती। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।